नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सीखा ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सीखे बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ हम बात करेंगे 69,000 को लेकर कट ऑफ मुद्दे की। दोस्तों सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों लाइव अपडेट लगातार आप सभी को मिलती रहेगी हमारे ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से, साथ में हमारी वेबसाइट मिलेगी onlineaddafirststudy.com। आप सभी सर्च भी कर सकते हैं या फिर दोस्तों लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जज साहब ने कट ऑफ मुद्दे की सुनवाई को लेकर स्पष्ट कर दिया है। मैं तो पिछले कई दिनों से आप सभी को बता ही रहा था, फिलहाल दोस्तों जानकारी मिली है सुप्रीम कोर्ट से। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि तमाम जो केसेस कोर्ट्स के अंदर लगे हुए हैं 7 नंबर से लेकर 18वें नंबर तक 269,000 संबंधित मामले कोर्ट्स के अंदर हैं। अब ऐसे में दोस्तों सबके मन में सवाल देखने के लिए मिल रहा था कि पहले जो केस सुने जाएंगे हमारे सुने जाएंगे या फिर अगर देखा जाए तमाम जो केस लगे उनको सुना जाएगा। तो जज साहब की तरफ से यहां बता दिया गया है पहले आइटम नंबर 1 से लेकर मतलब 6 तक के जितने भी केस लगे हुए हैं वो सारे सुने जाएंगे। उसके बाद में हमारा केस 200 पास ओवर किया जाएगा। पास ओवर करने के बाद में 1920 नंबर का जो केस है उसको सुना जाएगा। मतलब टोटल 200 आप सभी के सामने 9 केसेस सुने जाएंगे। उसके बाद में 7 से लेकर 18 तक के सारे जो केस हैं जो कि 69,000 से संबंधित है सारे के सारे सुने जाएंगे। ऐसा दोस्तों यहां पर जज साहब की तरफ से स्पष्ट कर दिया। तो जज साहब की तरफ से दोस्तों पूरे तरीके से यहां पर स्पष्ट कर दिया गया कि आपके जो केस को दोस्तों पहले ना सुनकर के पहले तमाम जो केस है उनको सुना जाएगा। तो ऐसे में आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ 9 जो केसेज हैं वो लगे हुए हैं उनको सुनने के बाद में आपके जो केस का वो नंबर आएगा। उसी के बाद दोस्तों सभी अधिवक्ताओं को चाहे वो बीएड है या बीटीसी है या फिर सरकार की तरफ से उनको दोस्तों जो लिंक है प्रोवाइड किया जाएगा। ये एक अच्छी चीज भी रहेगी दोस्तों, ऐसा कि आप सभी को बताए सुनने को तो 9 केसेस को दोस्तों 10 से 15 मिनट के अंदर भी सुना जा सकता है। बाकी जो भी जैसी भी अपडेट निकली लगातार दोस्तों आप सभी को मिलती रहेगी। तो फिलहाल जज साहब की तरफ से बिल्कुल दोस्तों स्पष्ट कर दिया है कि आज इस मुद्दे को दोस्तों काफी लंबा सुना जाना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आगामी समय के अंदर जल्दी से जल्दी दोस्तों कोई अच्छी खबर निकले या फिर दोस्तों यहां से मामला निस्तारित भी हो सकता है। जैसा कि मैं आप सभी को पहले से बताया था कि 15 तारीख को काफी महत्वपूर्ण आपको सुनवाई देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि फिलहाल दोस्तों यहां पे भी स्पष्ट कर दिया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कम से कम दोस्तों आप सभी को 40 से 45 मिनट दोस्तों अभी और इंतजार आप सभी को करना पड़ेगा। जैसे ही दोस्तों तमाम जो केसेस है वो सुने जाएंगे उसके बाद में कट ऑफ मुद्दे की होगी सुनवाई, जिसके अंदर 22,000 सीटों का मुद्दा है, शिक्षा मित्रों के भागांक का मुद्दा है, साथ में आप सभी को बताए 37,339 जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसकी वजह से दोस्तों भर्ती रुकी पड़ी है, इसको लेकर भी दोस्तों सुनवाई होने वाली है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जैसे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते हैं। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन की टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।